नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक एंड नॉन टेक स्टडी में। आज आपको प्रीपोजिशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें सिंस एंड फॉर एंड कुछ प्रीपोजिशन और है जो आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो पहले देखते हैं सिंस। वी यूज सिंस एज ए प्रीपोजिशन विद द पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब देखते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है इट मीन्स नेम ऑफ एनी आवर डे मंथ और ईयर। मतलब इसका कि निश्चित समय का मतलब होता है, जैसे कि सिंस 5 AM यानी 5 बजे का टाइम बोला है, ट्यूसडे का बोला है, अप्रैल का बोला है यानी 2015 का बोला है। इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि आप इस डेट तक कंप्लीट कोई भी वर्क होगा या कुछ भी टाइम के लिए, तो वह एक निश्चित समय दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये बोला फ्यू आवर्स, तो फ्यू आवर्स का मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता कि कितने घंटे, अप्रॉक्स आपको कोई आइडिया नहीं होता। इसलिए सिंस का यूज़ वहाँ होता है जहाँ निश्चित समय की बात की जाए। सेकंड देखते हैं इसका यूज़। सिंस का ही वी यूज़ सिंस विथ मॉर्निंग, इवनिंग, नून, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ एंड लास्ट सेंचुरी, सनराइज, सनसेट, इन सब जगह सिंस का यूज़ होगा। ऐसे ही हम थर्ड देखते हैं। वी ऑल्सो यूज़ सिंस विथ एनी नेशनल और रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कोई भी फेस्टिवल हो, स्पेशली नेशनल और रिलीजियस रिलेट करके। जैसे कि नेशनल की बात की जाए तो सिंस रिपब्लिक डे, एक ये हो गया। सेकंड सिंस इंडिपेंडेंस डे, सिंस जन्माष्टमी, ये सारे आपके फेस्टिवल एंड नेशनल डेज हैं। अब फॉर का यूज़ देखते हैं। फॉर इट इज़ यूज्ड विथ पीरियड ऑफ टाइम। इसका एक टाइम का पीरियड होता है बट एक निश्चित नहीं होता, इसका मतलब अनिश्चित समय। जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब सेम, इट इज़ द नंबर ऑफ डे, हावर्स, मंथ्स एंड ईयर्स। जैसे कि 5 डेज, बट वो 5 डेज कौन से हैं अपन को नहीं पता, तो वहाँ पर अपना फोर का यूज़ होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एन आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 8 मंथ्स, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 10 डेज। तो अभी अपने फिक्स नहीं पता कि कौन से 2 आवर्स हैं, कौन से 8 मंथ्स हैं, 6 ईयर्स का नहीं पता, 10 डेज का नहीं पता। इसका थोड़ा नोट पढ़ते हैं कि क्या है। सिंस एंड फॉर विल बी यूज्ड विद टाइम ओनली। सिंस और टाइम का यूज़ सिर्फ कहाँ पर होता है, टाइम। सिंस और फॉर का यूज़ सिर्फ टाइम के लिए यूज़ होता है, व्हेन दिस टाइम बिलोंग्स टू पास्ट, और जो टाइम पास्ट के लिए स्पेशली यूज़ किया गया हो। एग्जाम्पल अब कुछ टेस्ट करते हैं कि सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा, आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि हाफ एन आवर्स, कौन सा हाफ एन आवर्स है, वी डोंट नो, तो वहाँ पर फोर का यूज़ होगा। सेकंड, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जैसा कि आपको बताया अपॉइंटमेंट की डेट दी जाएगी फिक्स, तो वो हो जाएगा, वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। क्वार्टर पास्ट 8 मंथ, यानी हमें पता है कि आज से पिछले 8 महीने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा, क्योंकि फिक्स डेट पता चल चुका है अप्रॉक्स। बर्थ डेट सिंस यूज होगा, क्योंकि हमें पता होता है। फोर्टनाइट का नहीं पता होता तो फोर का यूज़ होगा। 5 वीक्स का नहीं पता तो फोर का यूज़ होगा। फोर का यूज़ एक जगह और होता है, यानी फोर का मतलब होता है के लिए। वी यूज़ फोर विथ रेस्पेक्ट टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ फॉर राहुल, यानी ये वो किसके लिए, राहुल के लिए, ये हो गया एक पर्सन के लिए। सेकेंड वन प्लेस के लिए देखते हैं, तो ही हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली, ये हो गया एक प्लेस के लिए। दिस बुक इज़ अवेलेबल फॉर दैट कॉम्पिटिशन, ये हो गया एक थिंग्स के लिए। इस तरीके से यूज़ फॉर का किया जाता है। अब फॉर के आपके कुछ रिलेट करके आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि एक्सपायर, प्रायश्चित करना, लुक फॉर देखना, अटॉन फॉर प्रायश्चित करना, गे फॉर तरसना। ऐसे ही कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको याद करने हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके साथ हमेशा फोर ही आता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे वर्ड्स। सेकंड अपन लेते हैं प्रीपोजिशन आज, अंडर एंड अंडरनीथ, यानी इसको कहते हैं बिनीथ। अंडर का मतलब होता है के नीचे। एग्जाम्पल अभी बताऊँगा, पहले इसकी थ्योरी देखते हैं। वी यूज़ अंडर व्हेन अ पर्सन और थिंग इज़ अंडर सम अनदर थिंग एंड इज़ विजिबल, देन वी यूज़ अंडर। इसका मतलब ये हुआ कि अपन अंडर का यूज़ करते हैं पर्सन और थिंग के लिए, ठीक है। इज़ अंडर सम अनदर थिंग, यानी दूसरे थिंग्स के अंडर में काम करें। जैसे कि
वी टुक रेस्ट अंडर अ वुडन रूफ। और दूसरी बात इसमें विजिबल वाली बात है, यानी वी टुक रेस्ट अंडर अ वुडन रूफ, यानी कि अपन कहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, एक वुडन रूफ की छत के नीचे, उसके रेस्ट मोमेंट में हम लोग, इसमें रेस्ट होता है और विजिबल भी है। जैसे कि वी सेट अंडर द टेबल, वी सेट यानी कहाँ बैठे हैं हम लोग, अंडर द टेबल यानी टेबल के जस्ट नीचे, बट बैठे हैं रेस्ट मोशन में, विजिबल हैं हम लोग। वी वेटेड अंडर अ ब्रिज, अपन वेट कहाँ कर रहे हैं, अंडर अ ब्रिज यानी ब्रिज के नीचे। एक अंडर और होता है जिसका मतलब होता है के अधीन, के अधीनस्थ, मतलब व्हेन अ पर्सन और थिंग इज सबऑर्डिनेट सम अनदर पर्सन और थिंग देन वी यूज अंडर। सेम चीज़ है, किसी अधिकारी के अंडर में काम करते हैं, किसी के अधीनस्थ में होकर काम करते हैं, वहाँ पर ही अंडर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम वर्किंग अंडर द चेयरमैन, हम किसके अंडर में काम कर रहे हैं, एक चेयरमैन के अंडर में काम कर रहे हैं। सेकेंड वन, सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, सिचुएशन अंडर कंट्रोल में आ चुकी है, यानी कि हमारे अधीन आ चुकी है, अब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। ये हो गया अपना अंडर का यूज़। सेकेंड वन देखते हैं, अंडर नीथ, यानी कि के नीचे परंतु, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। व्हेन अ पर्सन और थिंग इज़ अंडर सम अनदर थिंग एंड इज़ नॉट पॉसिबल एंड इज़ नॉट विजिबल देन वी यूज़ अंडर नीथ, जो चीज़ हमें दिखाई ना दे, बस अंडर में विजिबल होता है, अंडर नीथ में नॉट विजिबल होता है। एग्जाम्पल, वाटर लाइज बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन के अंदर हम लोगों को पानी नहीं दिखता, तो वहाँ पर अंडर नीथ का यूज़ होगा या बीनीथ का यूज़ होगा। इसके कुछ वर्ड्स हैं, अंडर हैंड गोपनीय तरीके से, अंडर स्कोर जोर देना, अंडर डॉग छुपा हुआ, रुस्तम होना, अंडर कवर भेस बदल कर रहना, अंडर एज आयु सीमा से कम होना, अंडर फॉर्म उम्मीद से परफॉर्मेंस दिखाना। ये हो गया सारे वर्ड्स अंडर से रिलेट करके। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं प्रीपोजिशन का, बाई। बाई यानी होता है से या के द्वारा। वी यूज़ बाई व्हेन अ पर्सन और थिंग बिकम्स एन एजेंट, इट मीन्स वी यूज़ बाई विद द डोर ऑफ एन एक्शन। इसका मतलब बताऊंगा आपको, एग्जांपल देखते हैं इसका। आई वॉज गाइडेड बाय माय टीचर, किसके द्वारा गाइड किया गया है, बाय माय टीचर के द्वारा। वी ही वेंट टू दिल्ली बाय एयर, वो किसके द्वारा गए हैं, बाय एयर यानी कि एरोप्लेन के द्वारा गए हैं वो, ठीक है। एक बाय का यूज़ और होता है तक। वी यूज़ बाय व्हेन टाइम डेडलाइन इज़ गिवन, जहाँ टाइम डेडलाइन दी गई हो, एंड व्हेन एन एक्शन हैज़ टू बी कम्प्लीटेड विद इन गिवन टाइम, और कोई भी कार्य गिवन टाइम में कम्प्लीट हो गया हो, वहाँ पर बाई का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस टाइम शुड बी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय दिया गया था, वो उस टाइम में अपना कम्प्लीट हो गया। बाय टेल अप टू, तीनों का अर्थ होता है तक। एग्जाम्पल देखते हैं, वी विल रीच हीयर बाय 5 PM टूडे, ठीक है। सेकेंड है, सी विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसके कुछ वर्ड्स देखते हैं, ले बाई यानी बचा के रखना भविष्य के लिए, स्टैंड बाई प्रतीक्षा करना, किसी का साथ देना। ऐसे ही कुछ वर्ड्स और हैं बाई का, ये 100% इनके साथ आएंगे, आपको बता दूंगा, और जिसका मतलब टोटली अलग होता है। सेकेंड देखते हैं, प्रीपोजिशन विथ, विथ यानी होता है से। वी यूज़ विथ फॉर ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट विच आर हैंड यूज्ड, यानी कि हाथों के द्वारा काम किया जाता है, उसमें विथ का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ राइटिंग विथ अ पेंसिल, यानी कि यहाँ पर हाथ के द्वारा लिखा जा रहा है, क्योंकि राइटिंग हो रहा है विथ अ पेंसिल के द्वारा, तो वहाँ पर विथ का यूज़ होगा। दे आर डिगिंग विथ सिकल्स, यानी डिगिंग यानी खोदना हो रहा है, किसके द्वारा, सिकल्स के द्वारा, तो वो किसके विथ आएगा यहाँ पर भी, क्योंकि ये हैंड का काम हो रहा है। एक होता है विथ यानी के साथ। वी यूज़ विथ व्हेन अ पर्सन और थिंग इज इन द कंपनी विथ सम ऑर्डर पर्सन और थिंग, किसी पर्सन के लिए क्या आते हैं, अदर काम के लिए, यानी कि सम अदर ऑर्डर पर्सन और थिंग के यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ही वॉज विथ हिज फ्रेंड्स एट द टाइम, वो किसके साथ है, अपने फ्रेंड्स के साथ है एट अ टाइम। आई एम गोइंग विथ सम बुक्स, यानी मैं किसी के साथ चल रहा हूँ। आई एम गोइंग विथ सम बुक्स, यानी मेरी बुक्स हैं वो मेरे साथ चल रही हैं, तो आई एम गोइंग विथ सम बुक्स, तो वहाँ विथ का यूज़ होगा। विथ के भी कुछ वर्ड्स हैं, चार्ज विथ, फिल विथ, कंप्लाई विथ, कंटेंट विथ,
grapple with, consult with, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं विथ के साथ जिनका यूज़ विथ का होता है और दोनों मिक्स करके इनका सेंटेंस इनका अलग मतलब निकलता है. तो आप ये सारे विथ के यूजेस देख लीजिए. यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए. और मेरे फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं टेक एंड नॉन टेक स्टडी के नाम से. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और ये सारे मैं वीडियोस आपके लिए डाल रहा हूँ जो MPSI, SSC यानी कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही है. तो प्लीज़ आप इसको देखते रहिए और इंग्लिश को आप भरपूर फ़ायदा उठाइए इसका. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.